फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, हमें बहुत सारे कॉल मैसेजेस और बहुत सारे पर्सनल कस्टमर्स अपने डॉग ट्रेन करवाना चाहते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, हमने अभी न्यू बॉर्न बेबी परचेज किया है, ऐसा कुछ किया है, पपी बीमार होना शुरू हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, फीवर आना, पपी का खाना ना खाना, इन सब के कारण क्या है। सबसे पहले हम एक अच्छा ब्रीडर नहीं चूज करते हैं। आप एक अच्छा ब्रीडर चूज कीजिए, आप देखिए, अपने नियर बाय सर्च कीजिए और पूछिए, ब्रीडर की रेपुटेशन देखिए, बहुत सारी चीजें आप नोटिस कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक ब्रीड का ही पपी लें। मैं पर्सनली इंडिको बहुत पसंद करता हूँ, तो इंडिको डॉग्स हमारे बहुत अच्छे हैं और डिजीज फ्री डॉग हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इंडिको अडॉप्ट करें, वो मस्त है और बहुत बेटर डॉग है। फिर भी हम जाते हैं ब्रीड्स की तरफ, अगर हम जाते हैं सबसे पहले तो एक अच्छा ब्रीडर या अच्छी पेट शॉप, जो भी है, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, वो सब चूज कीजिए और उनको पूछिए वो पपी की एज क्या है एंड वो उसको क्या फीड कर रहे हैं, उसकी मदर की कंडीशन कैसी है, उसके फादर की कंडीशन कैसी है, ये चीज़ें आप चेक कीजिए। समटाइम होता है कि हम न्यू होते हैं, हमें नहीं पता है कि हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पाता कि पपी की एज क्या है। मैं ये सब के लिए नहीं, पर सम ब्रीडर्स कहने या पेट शॉप्स कहने, मर्ज कई बार ऐसा हो जाता है कि पपी की एज छोटी है लेकिन बड़ी एज बता के आपको पपी दे दिया गया और पपीज में वो प्रॉब्लम आने लगी कि एज छोटी है, मदर फीडिंग नहीं हुई है। तो आपने वेटनरी को इन्वॉल्व कीजिए, आप अपने वेटनरी को कांटेक्ट कीजिए, आप उनको पूछिए, वो आपको सही एज उसकी बता पाएंगे, उसका सही रख रखाव आपको बता पाएंगे। आप खुद से ना करें कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीनेशन या किसी कहने से, समटाइम हम ऐसा कहते हैं या लोग ऐसा कह देते हैं कि अरे ये वैक्सीनेशन तो कुछ नहीं होता है, चलो मैं लगा देता हूँ। नहीं, वैक्सीनेशन सही तरीके से लगाने का एक तरीका होता है, उसका एक सही टेम्परेचर होता है, वो वेटनरी बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता वो सब चीज़ें। आप हमेशा अपने वेटनरी को ही कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब वैक्सीन करना है, कब नहीं करना, क्यों कर रहे हैं वैक्सीन, उसकी वजह भी वो आपको बता पाएंगे, जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। ये चीज़ें जैसे कि डिवॉर्मिंग जैसी चीज़ें भी अपने वेटनरी से ही अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको बेटर बता पाएंगे। तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। अब ट्रेनिंग हम कब करवा सकते हैं, डॉग की ट्रेनिंग हमें कब करवानी चाहिए? उनको लगता है, मेरे क्लाइंट्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कि पपी छोटा पपी है, बचपन से ट्रेन होगा तो वो बहुत बढ़िया ट्रेन हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सर? ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले पपी की वैक्सीनेशन मस्ट है, वो एसिड अगेन कि वो आपको वेटनरी ही बता पाएंगे कि कब वैक्सीनेशन होनी है, क्या चीज़ें होनी है। पपी के बॉडी वेट, बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। देखिए, तो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इस पर, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं पपी की वैक्सीन को भी लेकर। तो अपने वेटनरी को पूछिए, सबसे पहले मस्ट आप उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए, पप्पी का बॉडी वेट चेक कीजिए, सब कुछ बढ़िया है। अपने वेटनरी को फाइनली क्वेश्चन कीजिए कि सर हम इसको ट्रेन करवाना चाहते हैं, क्या आप अलाउ करते हैं इसको बाहर जाना या इसकी ट्रेनिंग होना? अगर आपके वेटनरी आपको अलाउ करते हैं देन आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समटाइम हमारे पास कोई पप्पी आता है, हम स्टार्टिंग डेज में पप्पी को ट्रेन नहीं करते हैं, उसके रीजंस हैं। पप्पी का एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी जगह, उसका घर, जैसे अगर मुझे कोई कहीं छोड़ा, एक अनजान जगह पे, नया घर है, नए लोग हैं, तो वक्त लगेगा वहाँ, मुझे टाइम लगेगा मुझे वहाँ कंफर्टेबल होने में, वहाँ की चीज़ों को जानने में, मैं किसके पास हूँ, वो सब चीज़ें जानने में। तो स्टार्टिंग के 10 डेज हम डॉग्स को बिल्कुल ट्रेन नहीं करते हैं। सबसे पहले पप्पी को समझना शुरू कीजिए, आप उसको देखिए कि वो पप्पी कैसा है, वो कैसी उसकी ब्लड लाइन है, या वो किस माइंडसेट का पप्पी है। जैसे हर डॉग का आप देखेंगे माइंडसेट बिल्कुल अलग है, जरूरी है सेम लैब्राडोर, सारे लैब्राडोर एक ही तरीके से की पैटर्न से ट्रेन होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। समटाइम होता होगा, पर
मेरी समझ में जरूरी नहीं होता। हर डॉग का अपना एक नेचर है, अपना एक पैटर्न है, आप उसको पकड़िए। पपी मेंटली खुश है देन वो ट्रेन हो सकता है, आप उसको ट्रेन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन था, लोग हमें फ़ोन या मैसेज करते हैं, सर वो पपी मिल जाएगा क्या, सर वो पपी चाहिए थे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम इंडीज़ की बहुत सेवा करते हैं और करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। आप भी कसते अपने नियर बाई आप रख सकते हैं, अपनी गली में बाउल वगैरह से कुछ रखते हैं। हम ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, पपी की सेल परचेज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप पपी लेना है, कौन सा लेना है वो डिसीजन आपका है, कब लेना है, किससे लेना है वो डिसीजन आपका है, वो आप लेंगे और अपने वेटनरी से कंसल्ट करेंगे। तो जो हमारे अच्छे लोग हैं परेशान होते हैं कि हम उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि उनको कौन सा पपी लेना है, तो बेसिकली हमारे पास पपीज होते ही नहीं है, ना ही हम इस चीज़ में कभी डील करते थे। इससे जुड़े आप हमें कॉल ना करें। हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको डॉग से रिलेटेड कोई बिहेवियर इशू है या कुछ और इशूज आ रहे हैं आपको, तो उससे रिलेटेड आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चलिए हम चलते हैं कि किसको डॉग लेना चाहिए और किसको डॉग नहीं लेना चाहिए। समटाइम होता है कि अगर घर में बच्ची ने जिद कर दी मेरे को पपी चाहिए और आप जाकर पपी ले आए, वो पपी लाना एक जिम्मेदारी लाना होता है, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों का क्या रहता है कि वो आज जिद कर रहे हैं कल बच्चा भूल जाएगा, उसने स्कूल जाना है, स्टडी करनी है, कॉलेज जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, खेलना है, उसने बहुत सारी चीज़ें हैं। वो स्टार्टिंग डेज में पपी को छोड़ेगा नहीं, फिर एक बार उसको देखेगा भी नहीं। तो पहले आप ये डिसीजन बना लीजिए कि अगर बच्चा भी अगर आपका जिद कर रहा है कि मुझे पपी चाहिए, तो पपी लाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आप उसको वो टाइम दे पाएंगे। कल अगर बच्चा उसको केयर उसकी केयर नहीं करता है या उसको छोड़ देता है या वो अपनी स्टडी में बिजी हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या आपके पास वक्त है, आप उसको टाइम दे पाएंगे उसकी फॉर वॉक, फॉर वेटनरी, फॉर फूड, फॉर ग्रूमिंग, सो मेनी थिंग्स। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं देन आप अपील ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम चीज़ के लिए रेडी नहीं है, हमारा जॉब ऐसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाएगी, अगर आपके पास आप सो वेल हैं, अगर आपके पास है आप वहाँ पे हेल्प रख सकते हैं किसी को, एज अ हेल्पर आप इसको हायर कर सकते हैं, फिर भी वहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन यही रहेगा क्या फिर से अपने आपसे क्वेश्चन कीजिए, डॉग को आपका पर्सनल टाइम आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पर्सनल टाइम आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डॉग ना रखें। आप हाँ, अगर आपको डॉग से प्यार है, आप एक एनिमल लवर है, तो आप हेल्प कर सकते हैं। आपके स्ट्रीट में बहुत सारे डॉग्स हैं, आप अपने घर के बाहर एक बाउल रख सकते हैं जिसमें आप पानी डाल सकते हैं, खाना दे सकते हैं उनको, वेटनरी पे कभी आप फ्री हैं उसको कुछ प्रॉब्लम है तो लेके जा सकते हैं, या आपको नहीं समझ में आता है कि डॉग को जख्म है, मैगेट्स हैं, हम क्या करें, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ, ये सब डीमैक का स्प्रे आता है, या आप अपने घर में रख सकते हैं, या आप किसी वेटनरी से ले सकते हैं, या आप जहाँ से भी आप ले सकते हैं, आपके नियर बाय कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से आप इसके लिए डीमैक स्प्रे है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको मैगेट्स अमाउंट में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप वेटनरी की हेल्प ले सकते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं तो आप ऐसे करके हेल्प कर सकते हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। ये मस्ट है सर, सबको जितने भी एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं, ये आप अपने बैग में भी डाल के, वो ऑफिस जाते हुए अपने बैग में डाल के ले सकते हैं, मैं अक्सर मेरी ये कार में होता है तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। जिससे रहेगा ये कि आपको रास्ते से आप निकल रहे हैं, आपको डॉग दिखा और आपने उसको स्प्रे कर दिया, उसको कुछ टाइम के लिए उसको राहत मिल जाएगी, उसकी वो मैगेट्स मर जाएंगे और आपका वो डॉग लवर वाला काम भी हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उनको अपनी गली के बाहर फीड कर सकते हैं, वही अगेन एसिड कि उनको आप ट्रीट करती है, प्यार करती है, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत प्यारे होते हैं। अगर आपको पर्सनली घर में कोई बच्चा रखना चाहते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी आती है, अगर आप उसके लिए रेडी हैं देन आप घर में डॉग लेकर आइए, क्योंकि बच्चे को क्या रहता है वो घर में रहने की आदत हो जाती है, वो कंफर्ट जोन में हो जाता है, कंफर्ट की आदत हो, चाहे वो स्ट्रे डॉग भी है, अगर आपने उसको उठाया है सड़क से तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। आफ्टर सम टाइम, सम मंथ, सम ईयर्स,
आप स्टडी बेस या किसी चीज़ से आप अब्रॉड जा रहे हैं या सिटी चेंज हो रही है, कुछ भी रीजंस हैं आपके, हो जाते हैं, हम इंसान हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी होती हैं, सबकी होती हैं। तो अगर आप लाइफ टाइम नई चीज़ें कर सकते तो मैं कहूँगा कि आप उसको स्ट्रीट पर रहने दीजिए, आप उसको वहाँ पे फीड कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है, अपने आसपास के लोगों को इनक्रेज कीजिए वो भी उसको फीड करें। और डेफिनेटली लोग, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अकेला था इकलौता एक टाइम पे जो मैं फीड करता था। आज के टाइम में हमारे ही एरिया में मैं ऐसे 10-20 लोगों को जानता हूँ जो फीडिंग करते हैं, डॉग्स का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वेटनरी पे लेकर जाते हैं, वेटनरी को कॉल कर देते हैं, ये किसी को बुला लेते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुला लेते हैं कि आप देखिए इसको चोट लगी है या ऐसा कुछ है, तो आप ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको डॉग से रिलेटेड, बिहेवियर रिलेटेड या कोई और इश्यूज आपको आ रहे हैं, आप एक स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं या ऐसा कुछ है, या पर्सनली आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिन पे आप वीडियो चाहते हैं, जिनसे आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, बेसिक आप चीज़ें रख सकते हैं, जैसे ये डीमैक स्प्रे है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं, तो आप ये एज एन इमरजेंसी आप इसको यूज़ करते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारी कोशिश है डेफिनेटली डेफिनेटली 101% हम उस पर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर से देंगे और आपको हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि और क्या आप बेटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।